हेलो दोस्तों, मैं इस समय एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ और बताना चाहूँगा ये मैं बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ जियो यूज़र के लिए, क्योंकि अभी अभी जियो ने अपने ऑफिशियल पेज पे एक प्रेस रिलीज यहाँ पे पोस्ट की है, जिसमें रिलायंस जियो ये बता रहा है कि वो जो समर सरप्राइज ऑफ़र लाया था उसको विड्रॉ करने जा रहा है। जी हाँ, जो समर सरप्राइज ऑफ़र जियो लेके आया था 3 महीने के लिए फ्री एडिशनल सर्विस का, वो अब रिलायंस जियो उसको वापस लेने वाला है। अभी आधिकारिक कोई अभी टाइम या कोई डेट इसमें नहीं मेंशन की गई है किस समय या किस डेट को ये ऑफ़र वापस लिया जाएगा, बट यहाँ पे आपको जो बताया गया है, जैसे कि आपको 31 तारीख को एक ऑफ़र लॉन्च किया था जियो ने आपका समर सरप्राइज, जिसमें आपको 99 की मेंबरशिप के बाद 303 रुपये या उसके ऊपर का कोई भी पैक एक्टिवेट करना था, जिसमें आपको 3 महीने के लिए एडिशनल सर्विस दी जा रही थी फ्री नेट वॉइस कॉलिंग एंड SMS की, और साथ ही साथ जो आप पैक एक्टिवेट कराते 303 रुपये का, वो आपका 4th मंथ में स्टार्ट होता, तो आपका इन टोटल 4th मंथ आपका ये सर्विस आपके नंबर पर एक्टिवेट रहती। बट इस समय ट्राई के द्वारा कहे जाने पर कि जो आप सर्विस दे रहे हैं इसको आप नहीं ले दे सकते हैं, उसको आपको वापस लेना होगा, तो ये ट्राई ने एक आदेश दिया था जिसको रिलायंस जियो की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया है, और अब ये जो सर्विस मिलने वाली थी वो आपको अब नहीं मिल पाएगी। बट उसके साथ साथ ये प्रेस रिलीज में एक जियो ने ये भी लास्ट में 3 लाइन में मेंशन किया है कि जिन्होंने ये सर्विस अपने नंबर पर एक्टिवेट करा ली है 99 का रिचार्ज और 303 या उसके ऊपर का जो रिचार्ज एक्टिवेट करा लिया गया है जियो यूज़र द्वारा, तो उनको वो ये बेनिफिट दिया जाएगा। बट मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, जब ट्राई ने सभी सुविधाओं को बंद करने के लिए कहा है तो जियो ये कुछ चुनिंदा अपने यूज़र्स को कैसे ये सर्विस दे पाएगा, तो ये अभी डाउटफुल है। तो देखते हैं कि अगर आने वाले टाइम में क्या जियो नई प्रेस रिलीज़ करता है, नोटिस रिलीज़ करता है, तो उसके लिए वेट करना होगा। बट जो अभी मैं न्यूज़ आपको दे रहा हूँ ये काफ़ी सैड न्यूज़ है और बैड न्यूज़ है, तो ऐसी जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।